हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के रैखिक नियत संबंध के शॉर्ट सम जो है उनको करने वाले हैं। शॉर्ट सम में किस प्रकार के हैं और उसमें से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस तरह के होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछने की सबसे ज़्यादा संभावनाएँ हैं, उन सब के बेस पर हम इस चैप्टर में से अब शॉर्ट सम्स करेंगे। बड़े क्वेश्चन का हमने तीनों प्रकार के तीनों मेथड देख लिए हैं। वाई की एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा हमको पूछा जाता है, तो हमने उसके बारे में हम स्टडी कर लिया। थोड़ा सा हम शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 3 मार्क्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 5 मार्क का काम हमारा हो चुका है इस चैप्टर में से। थियरी के लिए एक और एक यानी कि सेक्शन ए और बी के लिए भी काम हो चुका है। सेक्शन टू और सेक्शन सी और डी यानी कि 2 और 3 मार्क्स जो हमारा है उसके लिए हम वर्क करेंगे, तो उसको आपको भी यहाँ खास ध्यान रखना है किस तरह से किया है। तो हम इसी के लिए तुम्हारा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6-7 है, वो दोनों मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन होते हैं। इन दोनों में से किसी एक प्रकार का क्वेश्चन तो लोगों को पूछते ही हैं, तो हम यहाँ पर 6 और 7 के क्वेश्चंस को करने का ट्राई करेंगे। कौन कौन से फॉर्मूले लगेंगे, कैसे होगा, कैसे क्या होगा, तो इसके लिए हम एक बार क्वेश्चंस रीड कर लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हमने फॉर्मूला पहले लिख ही लिया है, अब शॉर्ट फॉर्मूला के बेस पर हम आगे का सम्स करेंगे। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक शहर में कपड़े के धंधे में कार्यरत 10 पीढ़ियों का औसत वार्षिक लाभ। छठा नंबर का हमारा सवाल है। पेज नंबर की बात करें तो हम 137 पेज नंबर है। वार्षिक लाभ और औसत वार्षिक प्रशासनिक खर्च लाख रुपए में निम्नानुसार है, तो पेज नंबर है हमारा 137 और क्वेश्चन नंबर 6 3.2 का, उसमें लिखा हुआ विवरण, उसमें लाभ लिखा है, प्रशासनिक खर्च यानी कि ये एक्स है और ये वाई है, हम लोगों ने लिख के दिया हुआ ही है। फिर माध्य दिया हमको, ये एक्स बार ये वाई बार, प्रमा विचलन एस एक्स एस वाई और सह विचरण यानी होता है हमारा कोवेरियंस यानी कि सी ओ वी एक्स वाई, तो 10.4। तो हमको 4-5 इन्फॉर्मेशन दी हुई है, पहले हम उनको लिख लेते हैं। माध्य दिया है तो हम उसको लिखेंगे एक्स बार 60, उसके बाद हमको दिया वाई बार 25, प्रमा विचलन है एक्स का तो उसको बोलेंगे हम एस एक्स, और प्रमा विचलन है अपने पास वाई का तो उसको बोलेंगे एस वाई, और दोनों का जो है साथ में उसको बोलेंगे कोव एक्स वाई या तो एस एक्स वाई, दोनों में से कुछ भी हम उसको बोल सकते हैं। और वो कितना दिया हमको यहाँ पर 10.4 लिखा हुआ है, तो 10.4 यहाँ पर हम लिखेंगे। अब आगे हमको करना क्या है इसके अंदर, तो वाई का एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा प्राप्त कीजिए। तो हम स्टार्ट करेंगे वाई की एक्स के प्रति तो y की x के प्रति नियत संबंध रेखा का हमारा फॉर्मूला है वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो b निकालने के लिए हमको पहले सबसे पहले स्टेप लेना पड़ेगा b के लिए। तो b का सूत्र हमको शॉर्ट समय में जब सी ओ वी दिया हो तो कौन सा लगता है, तो हम ये लिखेंगे सी ओ वी एक्स वाई अपॉन एस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा किसका सूत्र है, b का। तो हम यहाँ इसको अप्लाई करेंगे कि सी ओ वी एस एक्स वाई कितना दिया हमको, कोव एक्स वाई यानी कि सह विचरण कितना दिया 10.4, तो 10.4 हमने वहाँ लिखा। इसको हम क्या बोल सकते हैं, हिंदी में सह विचरण बोलते हैं, तो सह विचरण लिख देते हैं कोवेरियंस। और अपॉन एस एक्स का स्क्वायर, तो एस एक्स हमारे पास है 6, उसका होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, तो 10.4 डिवाइड बाई 36 हो जाएगा। 6 6 जा, अब इन दोनों का डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर कितना आता है वो हम यहाँ पर देखते हैं। 10.4 डिवाइड बाई 36 तो कितना आएगा, 0.29 हमारे पास वहाँ मिलने वाला है, तो 0.29 हम यहाँ लिखेंगे। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, b की, तो हमको मिल जाएगा b इज इक्वल टू 0.29। अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो वाई बार है हमारे पास में कितना 25, माइनस बी कितना है हमारे पास में, तो बी हमारे पास है 0.29 और एक्स बार है हमारे पास 60, तो एक्स बार हम 60 यूज़ करेंगे, 25 यूज़ किया और 0.29 बी को यूज़ किया, तो 25
माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हम वो भी चेक कर लेते हैं, 0.29 इंटू 60 17.4 आया। अब उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.6, लेकिन हमारे पास प्लस का रहेगा 25 माइनस 17.4। यू कैन चेक दैट इन योर कैलकुलेटर एंड देन एट लास्ट यू हैव टू पुट डाउन अवर ओरिजिनल फॉर्मूला अगेन हियर, ए प्लस बी कैपिटल एक्स। तो ए 7.6, बी इज 0.29 और एक्स वी डोंट नो इन दिस टाइप ऑफ सम, एक्स इज रेयरली गिवन, यानी कि हमको एक्स है वो कभी कभी दिया होता है, हर एक समय एक्स ऐसा जरूरी नहीं। तो ये हमको एक समीकरण पूछ सकता है कि वाई की एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा कौन सी है। तो ये वाई की एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा के लिए एक समीकरण यानी कि वाई कैप ए प्लस बी एक्स मिला है हमको, तो ये हमारे सवाल का आंसर रहेगा। जितना पूछा हमको उस तरह से ही करना है, कोई आगे पीछे कुछ करना नहीं है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट सम की तरफ आगे बढ़ेंगे। वहाँ पर हमारा इसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 7 की बात की थी हमने कि 6 और 7 हम उस टाइम पे हैं, उनमें से एक 3 मार्क के लिए है इम्पोर्टेंट। सेम इसके जैसे 3 मार्क का एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 3.2 का ही है, तो हम उसको भी ट्राई करेंगे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 3.2 का करने वाले हैं। उसमें लिखा है कि गुजरात राज्य की भिन्न भिन्न तहसील में हुई औसत वर्षा और मकई की पैदावार के बीच का संबंध जानने के लिए एकत्र की गई सूचना से निम्न परिणाम मिले हैं। तो देखो यहाँ क्या क्या परिणाम मिले देख लेते हैं। वर्षा और उसकी पैदावार यानी फसल कितनी हुई है वो देख दी हुई है। वर्षा का माध्य हमारे पास में 82 और उसकी पैदावार है 180 क्विंटल पर हेक्टेयर में। विचरण हमको 64 और 225, हमको विचरण की जरूरत नहीं होती है, हमको प्रमाव विचलन की जरूरत है। तो ये स्क्वायर दिया हम उसका रूट करके क्या कर लेंगे, हमारा प्रमाव विचलन ज्ञात कर लेंगे। फिर हमको दिया हुआ है सहसंबंधांक यानी कि R, तो R दिया हो तब क्या करते हैं, और नीचे X भी दे दिया है कि जब वर्षा 60 सेमी हो, वर्षा यानी कि X वो 60 सेमी हो तो मकई की पैदावार का आकलन कीजिए। तो किस तरह से इसको हमको करना है हम इसे नोट डाउन करेंगे पहले हमारी नोटबुक में, जो जो भी इन्फॉर्मेशन दी है हम उसी को पहले लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, पेज नंबर 137 है और स्वाध्याय का नंबर हमारा 3.2 है। इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हमको सबसे पहले माध्य दिया है एक्स बार और वाई बार। वाई बार हमारा 180 है और एक्स बार 182 है। फिर विचरण दिया हमको एस स्क्वायर 64 और एस वाई स्क्वायर 225। उसको हम एस एक्स और एस वाई में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन हमको जैसे ज़रूरत हो उस तरह से हमको डेटा चेंजेस ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो एस एक्स कैसे मिलेगा, हम इसका रूट कर देंगे तो 64 का रूट कितना होता है 8, और एस वाई हमको कैसे मिल जाएगा 225 का रूट करेंगे तब 225 का रूट कितना होता है 15। फिर हमको दिया हुआ है आर 0.82, ठीक है। तो 0.82 हमारा आर दिया हुआ है, तो आगे हमको अब किस तरह से करना है बोला क्या है, तो मकई की पैदावार का आकलन करना है। तो वाई की एक्स के प्रति नियत संबंध रेखा ही रखना पड़ेगा, तो वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो पहले हम बी निकालेंगे, बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू एस वाई अपॉन एस एक्स। आर कितना है 0.82, एस वाई कितना है 15, एस एक्स कितना है 8। अब इनका गुणा का भागकर जो भी करना है वो पहले वो करेंगे, तो 0.82 गुणा 15 भाग 8, तो हमारे पास आएगा 1.5375। उसको हम 1.54 भी लिख सकेंगे। अब a इज इक्वल टू
वाई बार माइनस बी एक्स बार। वाई बार हमारे पास में कितना है, 180 दिया हुआ है हमको यहाँ पर। माइनस बी कितना निकाला हमने, 1.5375। अगर पूरा भर जाता तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते थे, बट अभी नहीं है तो जितना है चार पांच डिजिट उतना लिखते हैं। 180 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 126.075 माइनस करेंगे 180 में से इसको, तो हमको मिलेगा प्लस का 53.925। अब वाई कैप तो ए प्लस बी एक्स, ए है हमारे पास 53.925 प्लस बी है हमारे पास 1.5375, और x हमको दिया हुआ था इसके अंदर, तो हम देख लेते हैं किताब में कितना लिखा हुआ है, 60 सेंटीमीटर लिखा हुआ है वर्षा, तो ये हमारे लिए x रहेगा। तो x को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5375 मल्टीप्लाई विथ 60 92.25 आया। अब उसको इसके अंदर प्लस करेंगे ₹146.175, तो हम उसको 146.18 कर देंगे, और इस तरह जो हमारा होगा लास्ट आंसर आ जाएगा। अगर इस सवाल में कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो यू कैन आस्क मी।